बिहार में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। बिहार में ओवैसी की पार्टी में टूट हो गई है। पांच में से चार विधायक राजद में शामिल हो गए हैं। राजद का दामन थामने वाले विधायकों में शाहनवाज इजहार एसपी, अंजार नाइनी और सैयद रकुद्दीन शामिल हैं। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में चारों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को अपना सहमति पत्र सौंपा। इसके साथ ही राजद के विधायकों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है और राजद अभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पटना में एआईएमआईएम विधायकों के आरजेडी में शामिल होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि चारों विधायकों का आरजेडी से पुराना संबंध रहा है। देश के हालात को देखते हुए उनकी घर वापसी हुई है। बिहार में ओवैसी की पार्टी में टूट हुई। एआईएमआईएम के पांच में से चार विधायक राजद में शामिल हुए। इस पर एआईएमआईएम के विधायक और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीमांचल की जनता को जिन्होंने धोखा दिया है उन्हें जनता सबक सिखाएगी। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी नगर और सीएम नीतीश कुमार के नाम पर नीतीश नगर बसाने का निर्णय लिया गया है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने सदन के अंदर और बाहर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब गरीब और भूमिहीन लोगों को सरकार 5 डिसमिल जमीन दे रही है। इसी कड़ी में अब सरकार की कोशिश है कि हर जिले में भूमिहीन लोगों को बसाकर नीतीश नगर और मोदी नगर नाम से मोहल्ला बनाया जाए ताकि सभी लोगों को फायदा हो सके। वहीं इस योजना में स्मार्ट गांव की परिकल्पना की गई है और लोगों को स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। आरा के टाउन थाना क्षेत्र के नासिरगंज से भोजपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। भारी मात्रा में हथियारों की तस्करी में शामिल दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। एसपी हिमांशु ने बताया कि इनके पास से देसी पिस्टल, 3 मैगजीन, कारतूस और 1 एयरगन बरामद किया गया। बगहा में नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में 1,50,000 क्यूसेक से अधिक पानी का डिस्चार्ज किया गया। वाल्मीकि नगर के साथ ही नेपाल के तराई इलाके में फिलहाल बारिश जारी है जिसके कारण नदी के जलस्तर में और वृद्धि की संभावना जताई गई है। बारिश को देखते हुए जल संसाधन विभाग में अभियंताओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बांधों और तटबंधों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। वाल्मीकि नगर में नारायणी गंडक नदी और रामनगर में पहाड़ी मसान नदी के जलस्तर पर खुद आईएएस अधिकारी दीपक मिश्रा नजर बनाए हुए हैं।